दोस्तों, उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन का ये हमारा छठा वीडियो है। आपके हमें बराबर मशवरे मिल रहे हैं कि हम अनुवाद या तर्जुमे से जुड़े वीडियो बराबर अपलोड करते रहें, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी ये हमारा वीडियो भी है। आज के इस वीडियो के लिए हमने उर्दू का एक इक्तबास, जिसका मौजू या शीर्षक है उर्दू जबान की इब्तिदा, उसको चुना है जिसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे या जिसका तर्जुमा हम हिंदी में करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग-अलग फील्ड से कोई इक्तबास उठाएं ताकि आपको उसे समझने के लिए आसानी रहे और वो एक मिसाल बन सके। तो शुरुआत करते हैं उर्दू जबान की इब्तिदा, उर्दू भाषा की उत्पत्ति। किसी भी जबान के उरूज और इर्तका की दास्तान उस कौम की तहजीब व माशरत के इर्तका। तो अब देखिए तर्जुमा, किसी भी भाषा के अभ्युदय। अभ्युदय क्या है? उरूज। ओ को आप और या के साथ तर्जुमा कर सकते हैं। अभ्युदय इर्तका है विकास, अभ्युदय या विकास, अभ्युदय और विकास की कहानी, दास्तान, कहानी या कथा, उस कौम की, उस राष्ट्र की तहजीब व माशरत के इर्तका, उस राष्ट्र की संस्कृति व रहन सहन या जीवन शैली या जीवन पद्धति के क्रमिक विकास। अब आप यहाँ पर दो चीजें देखिए कि पहली बार जब इर्तका आया तो उसका तर्जुमा सिर्फ विकास था, और दूसरी बार जब आया इर्तका तो यहाँ पर हमें क्रमिक विकास यानी धीरे धीरे जो तरक्की होती है क्रमिक लगाना पड़ा। ठीक, उसके बाद है से वाबस्ता हुआ करती है, वाबस्ता संबंधित, संबंधित हुआ करती है। उसकी नमूद यकबारगी किसी खास लम्हे या वक्त में नहीं होती। अब नमूद का तर्जुमा होगा अस्तित्व, जो कि मैस्कुलिन नाउन है। उसकी नमूद, नमूद फेमिनिन नाउन है उर्दू में, तो हमेशा ये याद रखिए कि तस्कीर और तानीस की गलती ना होने पाए और आपको इन छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रख के अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो उसकी नमूद, नमूद फेमिनिन है इसलिए उसकी है, और यहाँ पर अस्तित्व है जो कि मैस्कुलिन नाउन है, तो उसका, उसका अस्तित्व अचानक किसी विशेष क्षण या समय में नहीं पैदा होता। वो अपनी शक्ल इख्तियार करने से पहले मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है, उसे रंग और रूप। तो अब यहाँ पर देखिए वही वाली बात है कि शक्ल फेमिनिन है, अपनी शक्ल, और जब हमने तर्जुमा किया है तो रूप मैस्कुलिन नाउन है। वो अपना रूप धारण करने से पूर्व या पहले विभिन्न चरणों से गुजरती है, उसे रंग और रूप बख्शने और निखारने संवारने में मुख्तलिफ अवामिल कार फरमा होते हैं। बख्शने का तर्जुमा यहाँ पर हमने प्रदान करने किया है, प्रदान करने और निखारने संवारने में मुख्तलिफ अवामिल कार फरमा होते हैं, विभिन्न तत्वों का हाथ होता है या योगदान होता है। उर्दू जबान जो आज दुनिया की चंद तरक्की याफ्ता और कसरत से बोली जाने वाली जबानों में से एक है, उर्दू भाषा जो आज विश्व या दुनिया की कुछ प्रगतिशील और प्रचुर मात्रा में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, उसे भी मारिज़े वजूद में आने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा। तो अब यहाँ पर मारिज़े वजूद अस्तित्व या पृष्ठभूमि हम तर्जुमा उसका करेंगे, उसे भी अस्तित्व में या इस पृष्ठभूमि में आने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ा। इस जबान का असल सर चश्मा कौन सी जबान है? इसका खमीर किस इलाके की मिट्टी से तैयार हुआ? उसका तर्जुमा इस तरह है, इस भाषा का वास्तविक स्रोत, असल सर चश्मा कौन सी भाषा है? इसका उत्थापन, खमीर किस क्षेत्र की मिट्टी से तैयार हुआ? इन सवालात का कोई कतई जवाब देना इस वजह से मुश्किल नजर आता है कि इन प्रश्नों का कोई सटीक उत्तर देना इस कारण कठिन प्रतीत होता है कि इस सिलसिले में हमारे पास ऐसे दस्तावेजी सबूत नहीं जो इस सिलसिले से मुताल्लिक। तो अब देखिए सिलसिला दो बार आया है और दोनों का मतलब यहाँ पर अलग-अलग है। इस सिलसिले में, इस संदर्भ में, रिगार्डिंग दिस, हमारे पास ऐसे दस्तावेजी सबूत नहीं, हमारे पास ऐसे लिखित प्रमाण नहीं जो
इस सिलसिले में, इस विषय में, इस विषय से मुताल्लिक, इस विषय से संबंधित हर्फ आखिर का दर्जा रखते हूँ, यही वजह है कि अंतिम निर्णय का स्थान रखते हूँ, यही कारण है कि ये मसला माहिर लिसानियात के नज़दीक मुख्तलिफ रहा है, लिहाजा इस जबान के ये समस्या विशेषज्ञों और भाषाविदों के लिए भिन्न रही है। इस आधार पर इस भाषा के दूसरी कदीम जबानों के साथ तकाबुली मुताला, उसकी कवायद, लफ्जियात और उसके कदीम जबान प्राचीन भाषाओं, दूसरी प्राचीन भाषाओं के साथ तकाबुली मुताला, तुलनात्मक अध्ययन, उसकी कवायद, उसकी व्याकरण, शब्दावली और उसके लबो लहजे के तज्जिये की रोशनी में माहिरीन ने मुख्तलिफ राय पेश की हैं। लबो लहजा क्या है? उच्चारण, तज्जिया विश्लेषण, उच्चारण के विश्लेषण के प्रकाश या की रोशनी, यहाँ पर भी प्रकाश मैस्कुलिन है और रोशनी फेमिनिन है, में विशेषज्ञों ने विभिन्न मत या मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। अब ये भी याद रखिए कि अगर आप मत का प्रयोग कर रहे हैं तो मत मैस्कुलिन नाउन है, मत प्रस्तुत किए हैं और मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। तो दोस्तों, आज की पेशकश के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।